हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब क्लासेस। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास ट्वेल्थ के लिए ही है, फिजिक्स सब्जेक्ट से है और चैप्टर नंबर फिफ्थ से है, बार मैग्नेट। यस, हमारे पास इस चैप्टर में टॉपिक है बार मैग्नेट्स के लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंड बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। तो इन टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले, इन टॉपिक्स को अच्छे से समझने के लिए हमें क्या करना होगा, बार मैग्नेट के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उनको अच्छे से समझना होगा। तो इसके लिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ मैग्नेट, कि मैग्नेट क्या होता है। ओके, अ बॉडी पजेजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मैग्नेट, कि एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी मिलती है वो आपके लिए क्या कहलाती है, मैग्नेट कहलाती है। दैट मीन्स वो क्या कर सकती है कि जो भी उसके पास मटेरियल हो वो उसको अपनी तरफ क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है। लाइक मैं अगर आपको यहाँ पे ये दिखा रही हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि ये जो है ये क्या है, एक मैग्नेट है। ओके, इफ आई एम सेइंग दैट दिस इज़ ए मैग्नेट, और अगर यहाँ पे कोई आपके पास आयरन का मटेरियल आपके पास पड़ा है, ओके, आयरन है आपके पास, कुछ भी है, ऑब्जेक्ट है, अगर ये मैग्नेट इसको यहाँ पर अपनी तरफ खींचती है ना, अट्रैक्ट करती है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को आप मैग्नेटिज्म कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी को जो भी बॉडी शो करती है दैट बॉडी इज कॉल्ड मैग्नेट, हम उसे कहेंगे मैग्नेट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, व्हाट इज बार मैग्नेट। बार मैग्नेट, जैसा कि आपको वर्ड से ही क्लियर है कि एक ऐसा मैग्नेट जिसका जो शेप हो वो कैसा हो, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो, लाइक दिस। ये देखिए, ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर है ना, एक रेक्टेंगल है आपके पास, और इस शेप में अगर कोई भी मैग्नेट होती है तो उस मैग्नेट को आप क्या कहेंगे, बार मैग्नेट बोलेंगे। ओके, अब बार मैग्नेट तो आपने कह दिया, लेकिन अब ये क्या ऐसा थोड़ी ना है कि हर एक ऑब्जेक्ट चाहे वो कुछ भी हो रेक्टेंगुलर शेप में हो तो आप उसे बार मैग्नेट बोल दें। नो, इट्स नॉट। हम क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हमारा आयरन का होगा या स्टील का होगा या फिर किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का होगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड से बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, यानी कि अगर कोई मैग्नेट उसके पास रख दें तो बहुत जल्दी वो उसके पास चला जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, तो वो सब्सटेंस हमारे पास कैसे होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। ओके, सो ए बार मैग्नेट इज़ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आयरन, स्टील और एनी अदर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक कंपोजिट डेट शोज परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। कंडीशन क्या है कि चाहे कुछ भी हो, ओके, ये जो भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये कुछ भी हो, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि आपके पास जो प्रॉपर्टी ये शो करे वो मैग्नेटिक की, वो कैसी होनी चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए। ओके, अगर आपके पास ये परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट करता है सो इट इज़ अ बार मैग्नेट। तो ये हो गई है हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कि बार मैग्नेट क्या होता है और मैग्नेट क्या होता है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास क्या, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बार मैग्नेट। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि बार मैग्नेट जो है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, व्हेन द मैग्नेट इज़ सस्पेंडेड फ्रीली, आपने फ्रीली किसी भी मैग्नेट को क्या कर दीजिए, लटका दीजिए। ओके, हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक स्टैंड लिया है। ओके, दिस इज़ द स्टैंड, ये आपने स्टैंड लिया है और इस स्टैंड से आपने यहाँ पर क्या किया है, एक मैग्नेट ली है और उसको ना एक थ्रेड की हेल्प से फ्रीली यहाँ पर ना सस्पेंड कर दिया है। ओके, अब फ्रीली आपने सस्पेंड तो कर दिया है, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये कौन सी डायरेक्शन में रुकेगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अर्थ का नॉर्थ होगा, अर्थ का नॉर्थ मैं यहाँ इससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो जो अर्थ का नॉर्थ साइड में जो भी पोल होगा वो हमारे पास कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा, और जो साइड हमारे पास, जो पोल हमारे पास अर्थ के साउथ पोल की तरफ होगी वो हमारा कौन सा पोल होगी, साउथ पोल होगी। ओके, सो इट हैज़ टू पोल्स, यहाँ पर ये फिक्स हो जाता है कि इसके दो पोल्स होते हैं, जो नॉर्थ साइड में हो, जो अर्थ के नॉर्थ साइड में हो उसे हम कहेंगे नॉर्थ पोल, और जो हमारे अर्थ के साउथ साइड में हो उसे हम कहेंगे साउथ पोल। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब हो जाता है कि
जो मैग्नेट होती है वो अट्रैक्ट तो करती है, लेकिन वो किस किस को अट्रैक्ट करती है और कैसे वो अट्रैक्ट करती है, कहाँ पे उसकी अट्रैक्शन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, कहाँ उसकी अट्रैक्शन वीक होती है, ये जो सब कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं ये हम यहाँ पे बात करते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी में। सो अ मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा। तो एक मैग्नेट किस किस को अट्रैक्ट करती है, वो आयरन को अट्रैक्ट कर सकती है, स्टील को अट्रैक्ट कर सकती है, कोबाल्ट या फिर निकिल, यानी कि जो भी मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जिनमें मैग्नेटिज्म की थोड़ी बहुत जो है क्वालिटी मिलती है, उन सबको कोई भी मैग्नेट क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड, एक मेटल आपने ले लिया तो गोल्ड को भी मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेगी, नो, इट शुड बी मैग्नेटिक मटेरियल। एंड द नेक्स्ट, द अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट पोल्स। जो भी अट्रैक्शन आपका होगा वो जो उसके पोल्स होते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पर मैग्नेट की बात करूँ तो ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है, ओके? इस बार मैग्नेट के ये जो साइड पॉइंट्स होते हैं ये मेरे पास क्या होते हैं, पोल्स होते हैं। एक साइड में एन पोल होता है, दूसरी साइड में एस पोल होता है। आप यहाँ पर मेरी जो PPT है इसमें क्लियरली देख भी पा रहे होंगे कि जो मेरे पोल्स हैं उनके पास यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ज़्यादा आपको क्राउडेड एरिया नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल पोल्स के पास में क्राउडेड एरिया है। सो ऐसे ही आपका एस पोल के पास भी है, दोनों पोल्स के पास अगर आप देखेंगे तो आपको क्राउडेड एरिया जो है वो नज़र आ रहा है। सो जहाँ पे क्राउडेड एरिया ज़्यादा है इसका मतलब कि जो भी यहाँ पे मटेरियल है वो इन दोनों पोल्स के पास ज़्यादा क्वांटिटी में आकर जो है वो चिपक रहा है, या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर आकर अट्रैक्ट हो रहा है। सो पोल्स पर अट्रैक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर आप मिडिल एरिया में देखें तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो आपकी जो लाइन्स होती हैं, ये देखो कुछ इस तरह की आपको शेप मिल रही है, और ये काफ़ी खुली खुली शेप मिल रही है ना, एकदम ओपन एरिया आपको इस तरह का मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन जो है वो कम हो रहा है, बल्कि पोल्स पर अट्रैक्शन कैसा होता है, ज़्यादा होता है। तो ये होती है आपकी बार मैग्नेट की अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। अनलाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स का मतलब होगा कि जो भी आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्स होंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्स, आप देखिए अगर मेरे पास एक ये पोल है, यहाँ पे मैग्नेट ले लेती हूँ मैं, और एक मैग्नेट यहाँ पर ले लेती हूँ मैं, ठीक है, और मैं इन दोनों के आपस में रिएक्शन कराऊँ, तो पहले तो मुझे ये क्लियर करना होगा कि मेरे पास ये पोल्स कौन से हैं। सपोज़ कीजिए मेरे पास इस साइड वाला पोल एन पोल है और इस साइड वाला पोल क्या है, एस पोल। तो मैं यहाँ पर देखूँगी कि दोनों मैग्नेट्स क्या करती हैं, एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, है ना, एक दूसरे की तरफ मूव करती है, यानी कि अट्रैक्ट होती हैं। और अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह की कंडीशन लूँ कि मान लीजिए कि एक यहाँ पर मैं मैग्नेट ले लेती हूँ, जिसका ये पोल तो मैं ले लेती हूँ एस और ये वाला ले लेती हूँ एन, तो भी मेरे पास यही देखने को मुझे मिलेगा कि ये जो दोनों मैग्नेट्स हैं ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट इफ़ आई एम टेकिंग सेम पोल, अगर मैं सेम पोल की बात कर रही हूँ, लाइक मैं यहाँ पे पोल ले रही हूँ एन पोल और यहाँ पे भी मैं ले रही हूँ एन पोल, तो ये दोनों मैग्नेट्स क्या करती हैं, थोड़ा थोड़ा पीछे की ओर खिसक जाती हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा पीछे की ओर रिपेल हो जाती है। इसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर दोनों जो पोल्स हैं वो हमारे पास कैसे हैं, एन पोल्स हैं, तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। और अगर मैं ऐसा ही सेम मैं यहाँ पर लूँ दोनों एस पोल के साथ, ओके, ये मैं यहाँ पर दोनों एस पोल के साथ अगर मैं लेती हूँ, मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे एस और ये भी एस, तो भी मुझे यही देखने को मिलेगा कि ये दोनों जो मैग्नेट्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो क्लियर, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है यहाँ पे ये वाला, कि अगर आपके पास दोनों पोल्स एक जैसे हैं, लाइक पोल्स हैं, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, चाहे वो एन पोल हो चाहे वो एस हो। लेकिन इफ़ बोथ आर अनलाइक पोल्स देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। सो आफ्टर दिस वी मूव टू अनदर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते, देखिए अगर आपने यहाँ पे ये कोई भी आपने एक बार मैग्नेट लिया है, ओके, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम इस बार मैग्नेट को तोड़ देते हैं, ओके, तो ऐसे मैंने यहाँ पर इसको परपेंडिकुलर ब्रेक कर दिया है। तो जब मैं इसको परपेंडिकुलर ब्रेक कर देती हूँ तो मेरे पास इस बार मैग्नेट के टू पीसेज मिलते हैं, एक तो मुझे ये मिलता है और एक मुझे ये मिलता है, ओके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास ये एन पोल था और ये मेरे पास एस पोल था, तो यहाँ पर मेरे पास एन हो गया और एस हो गया,
ओके ये ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं ऐसा प्रैक्टिकली भी करके देखूँ तो मैं अगर इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के पास भी ला कर देखूँगी तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, है ना। मैं प्रैक्टिकली करके अगर देख रही हूँ तो ये मैं क्या देखूँगी कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट कब करेंगे, अभी अभी आपने पढ़ा था कि जब भी आपके पास अनलाइक पोल्स होंगे तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो सो डेफिनेटली यहाँ पर ये पोल आपके पास कौन सा होगा, एस, और ये वाला पोल कौन सा होगा आपके पास, एन। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि चाहे आप मैग्नेट को ब्रेक क्यों ना कर लो, आप उसे तोड़ क्यों ना दो, काट दो, कुछ भी कर लो, एनीथिंग एल्स, कुछ भी जो भी आपका मन करे आप वो कर लो मैग्नेट के साथ, लेकिन फिर भी जो भी आपके पास मैग्नेट के पीसेज आपके पास बचेंगे उन पीसेज के दो ही पोल्स होंगे, ओके। और वो दोनों पोल्स कौन कौन से होंगे, एन पोल एंड एस पोल। सो जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में बात करते हैं कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस हमारे थोड़ी सी कम डिस्टेंस पर एक दूसरे से रखे होते हैं तो हम उन्हें इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। तो इस कंडीशन में हम जो भी बार मैग्नेट हमारे पास होती है हम उसको मैग्नेटिक डायपोल, ओके, मैग्नेटिक डायपोल भी यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इंडक्टिव प्रॉपर्टी, ओके। इंडक्टिव प्रॉपर्टी इसमें क्या होता है कि सपोज कीजिए आपके पास कोई बार मैग्नेट है, ओके, दिस इज़ द बार मैग्नेट, आपके पास ये कोई भी बार मैग्नेट है, आपने क्या किया, इस बार मैग्नेट के पास एक आयरन का मटेरियल आप लेकर आए हो लाइक दिस, ओके। सपोज कीजिए ये आपका जो मटेरियल है वो किसका है, आयरन का होता है। अब आपने इसे बार मैग्नेट के पास इसको रख दिया है, हम यहाँ पर आयरन, निकल और कोबाल्ट की ही बात कर रहे हैं, या जिस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्ट होती हो, हम उसी मटेरियल को यहाँ पर लेंगे। तो ये आपके पास बार मैग्नेट है, इसका एन पोल है और ये इसका एस पोल है, ओके। तो हम कुछ टाइम बाद हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर हम इस आयरन के पास कोई दूसरा आयरन मटेरियल या फिर कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिसमें रिफ्लेक्ट होती हो वो सब्सटेंस अगर हम इसके पास लेकर आए, लाइक मैं यहाँ पर निकल लेकर आ रही हूँ, तो उसके बाद मैं देखूँगी कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ओके, अट्रैक्ट करते हैं। अब भैया देखो, बार मैग्नेट अट्रैक्ट करे तो समझ में आता है, लेकिन निकल को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, आयरन अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप आयरन को कुछ टाइम तक बार मैग्नेट के पास रख देते हो, बार मैग्नेट या किसी भी मैग्नेट के पास आप रख देते हो, तो उससे क्या होता है, आयरन के अंदर मैग्नेटिज्म आ जाता है, और मैग्नेटिज्म आ जाने से वो किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, ओके। सो वी मूव टू अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन ए मैग्नेट एंड ए पीस ऑफ आयरन। अब आपसे यहाँ पे कहा है कि जो रिपल्शन होता है वो एक श्योर टेस्ट होता है। श्योरेस्ट क्यों होता है, मतलब हमें इस पे ही क्यों यकीन होगा। अब आप देखो, यहाँ पे आपके पास ये आयरन था, ओके, इस आयरन को आपने क्या किया था, यहाँ पे इस बार मैग्नेट के पास आपने रख दिया था, और जब आपने बार मैग्नेट के पास रखा था तो ये निकल को क्या कर रहा था, अट्रैक्ट करेगा, है ना, अट्रैक्ट कर रहा था। तो अगर निकल वाला बंदा होगा तो वो क्या सोचेगा, कि वो सोचेगा कि ये आयरन नहीं है, ये तो बॉस बार मैग्नेट है ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि वो सच में आयरन है या बार मैग्नेट है, तो आप क्या करेंगे उस कंडीशन में, यस, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसका टेस्ट लेंगे, उसकी ऑब्जर्वेशंस लेंगे। लाइक मैं क्या करूँगी, इस आयरन के पास, ओके, इस आयरन के पास मैं सबसे पहले नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लेके जाऊँगी, कोई भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ओके, यानी कि जिसके अंदर मैग्नेटिज्म नहीं होता। तो फिर क्या होगा, तो नेक्स्ट टाइम मैं सॉफ्ट आयरन की एक रोड लेकर आती हूँ, ओके, सॉफ्ट आयरन की रोड, यहाँ पर मैंने सॉफ्ट आयरन रोड ला दिया है, ओके। अब आयरन रोड है ये, ओके, आयरन रोड, तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे मैं नॉर्थ के पास लेके जाऊँ, चाहे साउथ पोल के पास लेके जाऊँ, इसके अंदर तो भैया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है ना, और उन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से क्या होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, है ना, अट्रैक्शन होगा उनकी वजह से, यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे मैं नॉर्थ पोल के पास लेके जाऊँ तो भी अट्रैक्शन होगा, और चाहे मैं साउथ पोल के पास लेके आऊँ तब भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, करेक्ट। अब नेक्स्ट कंडीशन में मैं क्या करती हूँ, नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट, ओके,
अब मैं कोई दूसरी बार मैग्नेट लेके चलती हूँ, मतलब मेरे पास ये जो सॉफ्ट आयरन है अभी यहाँ पे मैंने आपको इस तरह की शेप बना दी है, अगर मैं सॉफ्ट आयरन की शेप भी यहाँ पर ऐसे लेकर चलती कैसी, बार मैग्नेट की जैसी, और फिर मुझे कन्फ्यूज़न होती कि भैया बताओ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कौन सा बार मैग्नेट है या फिर कौन सा मेरा जो है वो सॉफ्ट आयरन है ना, लाइक दिस मैं ऐसे लेकर अगर चलती तो उस कंडीशन में सॉफ्ट आयरन अगर ये होता है ना, ये मैंने यहाँ पे कह दिया दिस इज़ अ सॉफ्ट आयरन, दिस इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, अगर ये सॉफ्ट आयरन होता तो मैं चाहे नॉर्थ के पास लाती चाहे मैं साउथ के पास लाती, अट्रैक्शन होना कन्फर्म है ना, तो मुझे मतलब अभी तक नहीं पता चला। और अगर अब मैं यहाँ पर सॉफ्ट आयरन की जगह एक बार मैग्नेट को लेकर आती हूँ, ओके बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट अगर ये है तो इसका नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल भी होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला जो नॉर्थ पोल है इस नॉर्थ ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल के पास जाएगा तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, लाइक पोल्स हैं इसलिए क्या होगा, रिपल्शन। और सिमिलरली अगर ये नॉर्थ पोल इस एस पोल की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब ये हुआ, देखो सॉफ्ट आयरन अट्रैक्ट कर सकता है, अगर मैं निकल को लेके जाऊं तो वो भी अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन अगर मैं बार मैग्नेट को लेके जा रही हूं तो एक तरफ तो क्या होगा, यहां एस पोल पर तो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन इस एन पोल पर क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रिपल्शन तो तभी हो सकता है जब वो खुद क्या हो, एक बार मैग्नेट हो, ओके बार मैग्नेट हो। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इसका ये जो साउथ पोल है, ये साउथ पोल मैं एन पोल के पास लेके जाऊँगी तो क्या होगा, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, और अगर मैं साउथ पोल को साउथ पोल के पास लेके जाऊँगी तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो सिर्फ इस रिपल्शन की वजह से मैं यहाँ पर ये पहचान सकती हूँ कि ये जो भी मटेरियल मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये मेरे पास क्या है, बार मैग्नेट है, ओके। तो बार मैग्नेट है, इसमें रिपल्शन हुआ, सो रिपल्शन मेरे पास क्या हो गया, एक श्योरेस्ट टेस्ट हो गया जिससे मैं पता लगा सकती हूँ कि सॉफ्ट आयरन मटेरियल कौन सा है या फिर बार मैग्नेट कौन सा है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट इज इक्वल। जो भी आपके पास बार मैग्नेट होती है उसके दो पोल होते हैं, एक होता है आपके पास एन पोल और दूसरा आपके पास होता है एस पोल। तो अब कॉन्सेप्ट है कि मैम ये पोल स्ट्रेंथ क्या होती है पहले तो ये बता दीजिए। तो बेटा पोल स्ट्रेंथ में क्या होता है कि अगर हम किसी बार मैग्नेट के पास कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल लेकर जा रहे हैं तो वो उसको कितना अट्रैक्ट कर सकता है ना, उसकी कैपेबिलिटी होती है, एक कैपेसिटी होती है कि कोई भी पोल जो है, हाँ जी, इतना अमाउंट जो है वो क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो उसके पोल की जो अट्रैक्शन करने की जो कैपेसिटी होती है इसी को हम क्या कहते हैं, पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, ओके। अट्रैक्शन कैपेसिटी ऑफ एनी पोल ऑफ ए बार मैग्नेट इज टर्म्ड एज पोल स्ट्रेंथ। हम इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, यस। एन पोल के लिए भी जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, स्मॉल m होती है, और s के लिए भी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, स्मॉल m होती है। तो ये पॉइंट तो हो गया कि इन दोनों की क्या होती है, इक्वल होती है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फिगर b में देखिए, हमने ये जो भी हमारे पास बार मैग्नेट है इसके क्या किया हुआ है, यहाँ पर टू पीसेस कर दिया है, ओके। अब टू पीसेस हमने कैसे किए हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन जो है यहाँ पर वो ड्रॉ कर दिया है, ओके। ये देखिए एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया है। इस लाइन को ड्रॉ करने से क्या हुआ कि जो मेरी बार मैग्नेट थी इसके टू पार्ट्स हो गए हैं, है ना। अब दोनों पार्ट्स जब हो गए हैं लेकिन जो पोल्स हैं वो तो एज इट इज़ है, उनकी डायमेंशन भी मेरे पास एज इट इज़ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी यहाँ पर बार मैग्नेट है उसकी पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं हुई है, ओके। इसका मीनिंग मैं दोबारा से आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप किसी भी बार मैग्नेट को उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर कट करते हैं, यहाँ पर ये जो मेरी बार मैग्नेट है, ओके, इस बार मैग्नेट में अगर मैं यहाँ पर एक इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये वाली जो लाइन है इसको मैं यहाँ पे कहूँगी एक्सिस, ओके, एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट। और इस बार मैग्नेट के एक्सिस के अगर मैं परपेंडिकुलर एकदम मिडिल पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाली लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये लाइन क्या कर रही है, मेरी बार मैग्नेट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, लेकिन इससे मेरी पोल स्ट्रेंथ पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, मेरे पोल्स के डायमेंशन पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा है।
तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि जो मेरी पोल स्ट्रेंथ थी, स्मॉल एम थी, जो पहले थी एज इट इज़, अब वो क्या है, वही है. ओके, तो जब भी आप एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे या परपेंडिकुलर आप बार को कट करेंगे तो आपकी पोल स्ट्रेंथ में चेंज नहीं होता है. लेकिन अगर आप इसका अपोजिट करें, अपोजिट करेंगे तो आप कैसे करेंगे, दिस इज़ माई बार मैग्नेट, ये मेरी बार मैग्नेट है. अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, जो भी एक्सिस है, ओके, बार मैग्नेट का एक्सिस कौन सा है, ये जो मिडिल से होकर निकलता है ना, मिडिल से ये है, हो गया मेरा मिडिल से एक्सिस. मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, ऐसे इस बार मैग्नेट को कट कर रही हूँ. अगर कट कर रही हूँ तो मेरी जो बार मैग्नेट है उसके टू पीसेज हो जाएंगे. एक तो ऐसे हो जाएगा मेरे पास, देखिए, यस, ऐसे हो गया ना, और दूसरा मेरे पास इस तरह से होगा, मतलब दो पीसेज मेरे पास हो गए. ओके, मेरी जो बार मैग्नेट है उसकी लेंथ चेंज नहीं हुई है, लेकिन उसके पोल के डायमेंशंस चेंज हो गए हैं. और मैंने यहाँ पर टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि जो भी मेरी यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ थी वो भी क्या हो जाती है, डिवाइडेड बाय टू. तो एन पोल की पोल स्ट्रेंथ क्या होगी, एम बाय टू होगी, और एस पोल की पोल स्ट्रेंथ भी क्या होगी, एम बाय टू. अगर मैं अपनी बार मैग्नेट को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, ओके, लाइक दिस इज़ माई बार मैग्नेट, और अब मैं यहाँ पर इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करूँ, ऐसे एक, और ये हो गया दो. अब यहाँ पर ये हो गए मेरे पास कितने पॉइंट्स हो गए, ये हो गया फर्स्ट, हो गया ये, हो गया सेकंड, और ये हो गया थर्ड. तो उस कंडीशन में मैं कहूँगी कि जो मेरी पोल स्ट्रेंथ है वो भी अब कितनी हो गई है, स्मॉल एम अपॉन थ्री. ओके, जितने पार्ट्स में डिवाइड करूँगी उतने ही पार्ट्स से जो मेरी पोल स्ट्रेंथ है वो डिवाइड हो जाएगी. अब हमारे यहाँ पर बार मैग्नेट की सारी प्रॉपर्टीज़ एंड हो जाती है और मेन कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का. ओके, बार मैग्नेट के बाद कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होती है, तो फर्स्ट पॉइंट, द इमेजिनरी लाइन्स डेट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. तो इसमें क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, एक बार मैग्नेट जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ. ओके, ये मैंने एक बार मैग्नेट ले लिया है और यहाँ पर मैंने इसके पोल्स ले लिए हैं एन और एस. तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, इस बार मैग्नेट के एंड पॉइंट पे, जैसे ये एन है, यहाँ पर मैं एक कंपास को रख देती हूँ. कंपास में क्या होता है, एक निडल होती है. ओके, एक निडल होती है और वो निडल क्या करती है, डायरेक्शन बताती है. तो अगर मैं बार मैग्नेट के पास उसको यहाँ रखूँ तो एरो से यहाँ पे एक एरो बनता जाता है, उससे मुझे पता चलता है डायरेक्शन क्या है. फिर मैं क्या करूँगी, उस पॉइंट पे मार्क कर लूँगी. फिर मैं उस पॉइंट पर यहाँ पे दोबारा से मैग्नेटिक निडल को रखूँगी, फिर वो डायरेक्शन एक बताएगी, फिर मैं उसको फिर मार्क करके फिर आगे रखूँगी. तो अगर मैं ये प्रोसेस जो है वो रिपीट करती जाती हूँ तो मुझे ना इस तरह से एक डायग्राम मिलता है. ओके, इस तरह से डायग्राम मिलता है जिसमें मैं ये देखती हूँ कि जो फील्ड लाइंस है, जो लाइंस है यहाँ पर, वो एन पोल से बाहर निकल रही है और वो कहाँ एंटर कर रही है, एस पोल की तरफ एंटर कर रही है. ओके, एन पोल से बाहर निकल रही है और एस पोल पर कर रही है. ये इमेजिनरी लाइंस है, ऐसा नहीं है कि ये आपको सच में बनी हुई दिखती हैं, ये आपको इमेज करनी है या फिर जब आप कंपास को रखेंगे तो उससे आपको पता चलता जाएगा कि पॉइंट्स क्या है और उन पॉइंट्स को आप मिलाकर एक साथ ड्रॉ कर लेंगे तो आपको लाइंस मिल जाती है. ओके, ये जो लाइंस है ये क्या करती हैं, दीज लाइंस रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम वे एज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा था ना कि अगर आपके पास पॉजिटिव क्यू चार्ज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, आउटवर्ड होती हैं, और अगर आपके पास माइनस क्यू चार्ज होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, इनवर्ड होती है. सेम वे में, सेम मैनर में यहाँ पर आपके पास कौन सी लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, लेकिन चार्जेस की जगह आपके पास क्या होते हैं, एन पोल होता है और दूसरा आपके पास कौन सा होता है, एस पोल होता है. ओके, द पाथ अलोंग विच द कंपास नीडल्स आर अलाइंड इज नॉन एज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. अभी अभी मैंने आपको बताया कि मैं अगर यहाँ पे कंपास को रखते हुए जा रही हूँ और डायरेक्शन को फॉलो करते हुए जा रही हूँ तो मुझे ये पाथ मिलता है. तो ये पाथ मेरा किसके लिए हो गया है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए. मैं आपको इस टॉपिक को और भी अच्छे से क्लियर किए देती हूँ. यस, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पे क्या हो रहा है, एन पोल से ये जो आपको यहाँ पे ये जो रोटेशन करती हुई, मूवमेंट करती हुई जो पॉइंट दिख रहा है ना, एक्चुअल में दिस इज़ कंपास निडल. ये कंपास निडल है जो डायरेक्शन बता रही है और ये एक आपको यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि एक निडल है, रेड साइड में उसकी डायरेक्शन है, पॉइंट ड्रॉ करो फिर आगे चलो, पॉइंट ड्रॉ करो फिर आगे चलो. इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इस तरह से होती है.
अच्छा एक बात बताइए, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखकर कुछ दिमाग में आता है कि ये कैसी होती है? जरा सोचिए, देखते हैं। दीज लाइंस फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज लूप। आपने अभी भी यहाँ पे यहाँ क्या देखा कि जो भी आपके पास बार मैग्नेट है, अगर आप उसको रख देते हो तो ये आपके पास एन पोल है, ये एस पोल है, तो ये जो लाइंस है एन से तो निकल रही है और एस में एंटर कर रही है। ओके, एस में क्या कर रही है? एंटर कर रही है। तो आपको लगेगा कि मैम ये तो ओपन लूप है ना, बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता है, ये क्लोज्ड लूप होता है। तो उसके मैग्नेट के बाहर तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? एन टू एस होती है, लेकिन जब आप अंदर की बात करते हैं मैग्नेट के अंदर, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? एस से लेकर एन होती है। ओके, यहाँ पर देखिए आपको क्लियर हो रहा है डायग्राम से भी। आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, वेयर एज इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। नेक्स्ट आप देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन्स एट ए गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब मैं कंपास को रखते हुए जाती हूँ, है ना, कंपास निडिल, ऐसे निडिल को मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जब वो रखते हुए जा रही हूँ, जैसे ये निडिल मैंने यहाँ पे रख दिया है और इस निडिल में ये इस तरह से एरो बनी हुई होती है और इस एरो से ये मुझे पता चला, तो मैंने यहाँ पे इसको पॉइंट मार्क किया, फिर मैं आगे मूव किया, तो यहाँ पे एरो दिखता है ना मुझे, तो इस तरह से मुझे अगर मैं उस पाथ को फॉलो करते जाऊँ तो मुझे ये वाला पाथ मुझे मिलता है ना। अब अगर इस पाथ पे मैं किसी भी पॉइंट पे, लाइक मैंने यहाँ पे ये एक पॉइंट लिया है और इस पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूँ, टेंजेंट लाइन तो ड्रॉ करना आप सभी जानते होंगे आई होप, तो इस तरह से लाइन ड्रॉ होगी, तो ये जो डायरेक्शन है मेरी, ये किसकी डायरेक्शन होती है? मैग्नेटिक फील्ड की। ओके, इसे हम वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। जो भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। आपने कभी देखा है कि अगर जैसे ये आपके पास बार मैग्नेट है तो यहाँ से लाइंस निकली और यहाँ पे ऐसे आई और उसके बाद यहाँ से आई ऐसे आई, क्या ऐसा हुआ है कि एक लाइन ऐसे आ गई और दूसरी लाइन ऐसे निकल कर गई हो? हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें, है ना, टेंजेंट लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं तो वो क्या बताती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। चलो मैं इस पॉइंट पे ड्रॉ करती हूँ इस वाली बार मैग्नेट के लिए, तो ये हो गई मेरी टेंजेंट ऐसे, है ना, ये हो गई टेंजेंट, और अगर मैं इसकी टेंजेंट ड्रॉ करूँगी तो ऐसे मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तो डायरेक्शन मुझे मैग्नेटिक फील्ड की ये मिल गई और एक मुझे ये मिल गई। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो साइड में हो? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड दो साइड में हो, यानी कि उसकी डायरेक्शन दो हो, इज़ इट पॉसिबल? नो, नहीं है ना। सो दैट्स द रीज़न व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया द लार्जर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मीनिंग ये हुआ कि आप जब लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करते वक्त आप ये देखेंगे उसमें, मतलब आप जब ड्रॉ कर भी चुके होंगे तब भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आप देखिए कि किस एरिया में, किस पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्लियर भी किया था एक वर्ड कि आपको यहाँ पर देखना है कि कंजेस्टेड एरिया है या नहीं है। ओके, कंजेस्टेड एरिया, जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए मैं अगर बार मैग्नेट अगर मैं यहाँ पर ये ड्रॉ कर रही हूँ, ओके, तो मैं क्या देखूँगी कि ऐसे लाइंस निकल रही है, एक ऐसी, ये दो निकली, चलिए फिर ये नेक्स्ट निकली, फिर उसके बाद ये लाइंस जो हैं ऐसे भी निकल सकती हैं, इस साइड में भी, है ना, बिल्कुल निकल सकती है, कैसे भी निकल सकती है। तो इस तरह से ये जो लाइंस है ये निकलती जा रही है। तो अब आप देखो कि अगर आप इसको ये देखें कि किस एरिया में जो लाइंस है वो ज़्यादा है, ओके, देखिए बताइए कहाँ ज़्यादा है। सिंपल सा दिख रहा है आपको फिगर के अंदर कि ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन यहाँ पर क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव ए टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। कि जो भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनमें एक प्रॉपर्टी होती है, क्या,
कि वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकोड़ती है अपने आप को। कैसे करती है? ये तभी करेगी जब आपके पास अपोजिट पोल्स होंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैं दो पोल्स ले लेती हूँ, ये पोल मैं ले लेती हूँ एन पोल के लिए और ये लेती हूँ मैं एस के लिए। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, इनमें अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन यानी कि जब एन से फील्ड लाइन्स निकलेंगी और कहाँ एंटर करेंगी, एस की ओर। ओके, इस तरह से अट्रैक्शन करती है। तो अब आप देखिए ये एक दूसरे को क्या कर रही है, यहाँ पर अट्रैक्ट कर रही है। तो ये लॉन्गिट्यूडनली क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ओके, तो कॉन्ट्रैक्शन जब भी होता है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन होगा। ओके, सो दिस एक्सप्लेन्स अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स। और नेक्स्ट पॉइंट पे, अगर यहाँ पर आपके पास सेम पोल्स होते तो, यानी कि एन पोल अगर आपके पास एक है और दूसरा भी आपके पास क्या होता, एन पोल होता, तो आपके साथ क्या सिचुएशन होती, देखिए ये आपका एन पोल और ये भी एन पोल। तो देखो एन पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती ना, लेकिन इस एन पोल से भी निकलती सेम टू सेम, लेकिन क्या होता, रिपल्शन होता। रिपल्शन होने की वजह से क्या होता, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे रिपेल हो जाती, यानी कि ये निकलती तो ज़रूर लेकिन ये इस तरह से क्या हो जाती, एक दूसरे से रिपेल कर जाती। तो इस पॉइंट को, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लेटरल प्रेशर। ओके, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहाँ पर क्या कर रही हैं, लेटरल प्रेशर जो है वो एग्जर्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये कब होता है, जब रिपल्शन होता है। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज से आप अट्रैक्शन को भी बता सकते हो कि जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब अट्रैक्शन होगा, और जब लेटरल एक्सपेंशन होगा, लेटरल प्रेशर रिलीज होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या पॉइंट है, इफ़ देर आर नो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट, देन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स विल बी ज़ीरो एट दैट पॉइंट। यानी कि जैसे अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास ये फिगर है, हम इसी में इस चीज़ को समझते हैं कि यहाँ एन पोल है और यहाँ दूसरा भी कौन सा पोल है, एन पोल है। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन, क्या यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है क्या, नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही नहीं है तो आप टेंजेंट भी ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड की कोई डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पॉसिबल नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है। तो इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, एन से। ओके, अब ऐसी कंडीशन क्यों होती है, मतलब ऐसा कैसे हो गया कि मैग्नेट रखी हैं और फिर भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो वो उसका रीज़न क्या है कि दिस पॉइंट इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज़ बैलेंस्ड बाय द प्रोड्यूस्ड फील्ड बाय द मैग्नेट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस पॉइंट पर, ओके, इस पॉइंट पर क्या होता है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजेंटल कंपोनेंट यानी कि आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे किससे, बी एच से, उसकी वैल्यू जो भी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, उसके क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। वेन एवर बी एच इक्वल्स टू बी, यानी कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, है ना, कैंसिल कर देते हैं। और जिस वजह से रिजल्टेंट फील्ड हमारे पास क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। और रिजल्टेंट फील्ड अगर आपके पास ज़ीरो हो जाता है तो दैट मीन्स वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। अब इन सब प्रॉपर्टीज़ के बाद हम यहाँ पर देखेंगे मैपिंग ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, कि हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं हम उन्हें कैसे ड्रॉ करते हैं। अभी वैसे मैंने आपको बताया था कि आप कंपास का यूज़ करके आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दो केसेस हैं। तो फर्स्ट केस देखिए, केस फर्स्ट, when north pole of magnet is towards geographically south of earth। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे देखिए, ये अर्थ है हमारे पास, है ना, अर्थ, और ये अर्थ के डायरेक्शंस हैं। अगर आप यहाँ पे ये कह दें कि यहाँ पे अर्थ का इस साइड में नॉर्थ पोल है, ओके, और इस साइड में है साउथ पोल, तो इसका मतलब ये तो अर्थ का नॉर्थ पोल है और ये है साउथ। अब हम यहाँ पर क्या करें, एक बार मैग्नेट रखें, ओके, ये रख दी हमने यहाँ पे, ये बार मैग्नेट,
लेकिन बार मैग्नेट की वैल्यूज कैसे हैं हमारे पास, कि बार मैग्नेट का एस पोल इस तरफ है और एन पोल इस तरफ है। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट इज टुवर्ड्स ज्योग्राफिकली साउथ ऑफ अर्थ, ओके, तो उस कंडीशन में आपको फील्ड लाइंस इस शेप में मिलती है। और यहाँ पर आप देखिए, आपको जो न्यूट्रल पॉइंट है जो रेड कलर से शो हो रहा है वो आपको कहाँ मिलता है, ये देखिए, ये आपके बार मैग्नेट है, तो ये इस बार मैग्नेट का क्या है, एक्सिस है, है ना, एक्सिस है, और इन्हीं एक्सिस पर आपको न्यूट्रल पॉइंट भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। सो इन दिस केस न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट ऑन एक्सियल लाइन। केस सेकेंड, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ ऑफ अर्थ, तो जब आपका बार मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में हो, ज्योग्राफिकली नॉर्थ पोल में ही हो, तो उस कंडीशन में आपको जो फील्ड लाइन्स है वो आपको इस तरह की मिलती हैं। और यहाँ पर आपको जो मिलता है क्या, न्यूट्रल पॉइंट, ये अगर बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट के एक्सिस कौन सी, कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, दिस इज़ द बार मैग्नेट एक्सिस, ये आपका बार मैग्नेट का एक्सिस हो गया है, ओके। न्यूट्रल पॉइंट आपको कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, इस टाइम इस डायरेक्शन में, यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पे, ओके। तो ये हो गया है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट।